वायरस के चलते बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसको देखते हुए लाइनपार मंडी गेट के पास MR डिजिटल पुस्तकालय केंद्र खोला गया है, जिसका आज शुभारंभ डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने फीता काटकर किया। अपने संबोधन में बोलते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि इस समय की मुख्य जरूरत ऑनलाइन पढ़ाई बन चुकी है और डिजिटल इंडिया को देखते हुए मुरादाबाद महानगर में पहला डिजिटल पुस्तकालय शुरू हो गया है, जहां बच्चे समय निकालकर अपने समय के हिसाब से अपने कोर्स को ऑनलाइन देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। MR डिजिटल पुस्तकालय के संचालक लोकेंद्र कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते छात्रों के बैठने की उचित सुविधा भी की गई है, जहां पर छात्र सुबह से शाम तक किसी भी वक्त आकर पढ़ सकते हैं। इस मौके पर शैलेंद्र जमाल, BS वेस्ट, राजेंद्र सिंह, गजराम सिंह, डॉक्टर वर्षा शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। लाइब्रेरी के लिए क्या है, मतलब किस चीज की है? वर्तमान की आवश्यकता टेक्नोलॉजी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उसी के साथ नारा दिया था उन्होंने जय विज्ञान। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, माने रिसर्च को जोड़ा। और रिसर्च के साथ मोदी जी ने पूरा न्यू इंडिया का कंसेप्ट सामने रखा। न्यू इंडिया में डिजिटल इंडिया का उनका सपना, ये हमें ग्लोबली जो पैरामीटर्स हैं विकसित होने के लिए, उसका एक महत्वपूर्ण आधार और स्तंभ है ये डिजिटल सिस्टम। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, IT का ज़माना है, तो डिजिटल सिस्टम जो है ये इस देश की सदैव की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता सर्वाधिक है। और इस COVID-19 के समय पर जब लोग घर पर बैठ गए, छात्र छात्राएं घर पर बैठ गए, सब जहां भी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उन सब का वर्क फ्रॉम होम ये विषय आया, पर विद्यार्थियों के पढ़ने का विषय आया, तो वो घर से ही ई लर्निंग के माध्यम से उनकी क्लासेज हैं आज तक चल रही हैं, जब तक औपचारिक रूप में विद्यालय खोलने की स्वीकृति और अनुमति सरकार द्वारा नहीं मिलती है। तो इस समय पर जो भी काम हो रहा है वो पूरा डिजिटल सिस्टम से हो रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि लाइन पार के इस क्षेत्र में नेशनल हाईवे के ही निकट में लाइब्रेरी स्टडी पॉइंट के हिसाब से ये डिजिटल का एक महत्वपूर्ण केंद्र खोला है। ये बच्चों को पढ़ने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से हो रही है, MR डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें यहाँ पर बच्चा अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेगा 12 आवर्स। घर पे बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने की, जैसे बच्चों को माँ बाप बोल देते हैं इधर चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो बच्चा अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता पूरे दिन पढ़ने पर। लेकिन यहाँ पर बच्चा बैठ के सुबह को 7 बजे से रात को आराम से इस टाइम पर पढ़ सकता है, नाइट तक बच्चा आराम से पढ़ सकता है। उस पर बच्चे हमने बोली तो क्या टाइमिंग रहेगी बच्चे की पढ़ने की? सर बच्चे की टाइमिंग, बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर की बात है। किसी बच्चे की सर टाइमिंग 8 आवर्स की है, किसी की 12 आवर्स की कैपेसिटी पढ़ने की, किसी की 16 आवर्स के पढ़ने की, किसी की 6 आवर्स, तो बच्चा उस हिसाब से ज्वाइन कर सकता है। महानगर की बढ़ती मांग शिक्षा के क्षेत्र में आजकल के चलते माहौल के जरिए जो हमारे भारत सरकार ने जो एक प्लान तैयार किया था, इसका ये प्लान वर्क फ्रॉम होम, उसके तहत पढ़ाई भी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो प्लान किया गया सरकार का, उसको आज क्रियान्वित करते हुए महानगर में पहली डिजिटल लाइब्रेरी MR स्टडी पॉइंट के नाम से लाइन पार में आपके धर्मकांटा के निकट हिले रोड पर खोली गई है, जिसके संचालक प्रबंधक मिस्टर लोकेंद्र जी जिन्होंने इस काम को किया बधाई के पात्र हैं। और आने वाला समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता रखते हुए उस आधार पर अगर पढ़ाई हमारी जारी रहेगी, जितने भी कार्य हमारे जारी रहेंगे, उसके तहत इस डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही आने वाले समय में और डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का भी मैं आह्वान करूँगा आने वाली जनता से भी और आने वाले समाज के सभी वर्ग से, कि ऐसे स्कूल कॉलेजों को भी हम प्रेरित करेंगे कि ऐसी डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बच्चों को इस
इसका नुकसान ना हो, किसी समाज के तबके का नुकसान ना हो, उसका डिजिटल का पूरा फ़ायदा लें। और आजकल डिजिटल इंडिया में हमारा नाम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का नारा भी है डिजिटल इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया और पढ़ो इंडिया।